हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी संविदा कर्मी हैं और जितने भी बेल्टोन के आउटसोर्सिंग कंपनी हैं, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल्स, सभी कर्मियों के लिए एक बड़ी अपडेट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, सभी संविदा कर्मी और बेल्टोन के कर्मियों को एक साल में कितने अवकाश मिलते हैं बिहार सरकार के प्रावधान के अनुसार। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक लेटर के साथ कि बिहार सरकार के अनुसूचित में कितने प्रावधान बनाए गई है, कितने अवकाश यहाँ पे दिया जाता है सभी संविदा कर्मियों को। ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो में इसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो में पूरा बने रहना है, स्किप नहीं करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो काफी लॉन्ग हो सकता है, ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है। और हम लोग बात कर रहे हैं कि साल में अवकाश कितने आपको मिलते हैं, तो ये आपको जानना अति आवश्यक है फ्रेंड्स। आप लोग बोलेंगे कि क्यों अति आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों को शायद पता होगा कि हर विभाग या कार्यालय में एक जैसे कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, हर विभाग में कार्यालय का अलग अलग काम होता है। किसी विभाग में तो बेल्टोन के कर्मी को 8 से 9 बजे रात तक काम कार्य कराया जाता है कार्यालय में। ठीक है, इतना ही नहीं, किसी कार्यालय में तो रविवार को भी कर्मियों को बुलाया जाता है कार्य के लिए। ठीक है, तो कर्मियों को यह तो कर्मियों के लिए तो सरासर गलत नाइंसाफी है। ठीक है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ पे इस नोटिस के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आपको किस दिन और किस किस दिन और कितना बजे तक ड्यूटी करना है। ठीक है, उसके बाद एक नोटिस पे अनुसूचित 1, अनुसूचित 2, अनुसूचित 3 तीनों मिलाकर यहाँ पे राज्य सरकार के तरफ से कितने अवकाशों का प्रावधान किया गया साल भर में, सारे यहाँ पे जानकारी इस नोटिस के माध्यम से मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो वॉच करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस नोटिस को कि कितने दिनों का अवकाश का प्रावधान किया गया है बिहार सरकार की तरफ से संविदा कर्मी और बेल्टोन के कर्मी के लिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और साथ साथ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे मुझे मोटिवेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं इस बिहार सरकार के ऑफिशियल नोटिस पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार के अधीन सभी कार्यालयों में और सभी राजस्व दंडकारी न्यायालयों में अधीन 2022 में कार्यपालक आदेश के तहत घोषित सामान्य अवकाश है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से अवकाश है, यहाँ पे सारे अवकाश का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला है आपका गुरु गोविंद सिंह जयंती 9 जनवरी, वसंत पंचमी 5 फरवरी, ठीक है, उसके बाद संत रविदास 16 फरवरी, ठीक है, उसके बाद महाशिवरात्रि है 1 मार्च, उसके सब ए बारात 19 मार्च, सम्राट अशोक 9 अप्रैल, महावीर जयंती 14 अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे हो गए 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7वां है महावीर जयंती के बाद, 8वां है वीर कुंवर सिंह जयंती 23 अप्रैल, उसके बाद 9वां है जानकी नवमी 10 मई, उसके बुद्ध पूर्णिमा 18 मई, कबीर जयंती 14 जून, चेहलुम 17 सितंबर, दुर्गा पूजा सप्तमी होता है 2 अक्टूबर, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 9 अक्टूबर, चित्रगुप्त पूजा एन भाई दूज 37 अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, उसके बाद यहाँ पे नववर्ष 1 जनवरी, ठीक है, उसके बाद मकर संक्रांति है 15 जनवरी, कपूर ठाकुर जयंती 24 जनवरी, होली हो गया 17 मार्च, रमजान का अंतिम जुमा 29 अप्रैल और ईद उल फित्र ईद यानी कि 4 मई, उसके बाद यहाँ पे है अनुग्रह नारायण सिंह का जयंती 18 जून को है, उसके बाद यहाँ पे ईद उल जोहा
11 जुलाई अंतिम सवामी सोमवार हो गया आपका, 8 अगस्त मुहर्रम, 10 अगस्त रक्षाबंधन, 12 अगस्त ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है अनंत चतुर्दशी 9 सितंबर, विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर, उसके बाद दुर्गा पूजा है कलश स्थापन 28 सितंबर, दुर्गा पूजा 6 अक्टूबर, उसके बाद जयप्रकाश नारायण जयंती 18 अक्टूबर सॉरी 11 अक्टूबर, उसके बाद श्री कृष्ण जयंती 21 अक्टूबर, छठ पूजा 29 अक्टूबर ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती 3 दिसंबर को है ठीक है। उसके बाद क्रिसमस, क्रिसमस डे आपका 24 दिसंबर ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका है अनुसूचित 3 में क्या है, बिहार राज्य के NI एक्ट के तहत 2081 के तहत घोषित अवकाश ठीक है। सबसे पहला है गणतंत्र दिवस, उसके बाद आपका होली, फिर होली 2 दिन होली छुट्टी होता है ठीक है। उसके बिहार दिवस, रामनवमी, बिहार दिवस 22 मार्च को है, रामनवमी है 10 अप्रैल, भीमराव अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल, गुड फ्राइडे 15 अप्रैल ठीक है, मई दिवस श्रम दिवस ठीक है, इसे कहा जाता है मजदूर दिवस 1 मई को ठीक है, जो कि रविवार को पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा ईद उल फितर ईद ठीक है, तो 3 मई को है ईद उल जुहा बकरी, जो 16 जुलाई को है ठीक है, रविवार को पड़ता है मुहर्रम, 9 अगस्त मंगलवार को पड़ता है। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त सोमवार, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 19 अगस्त, महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर, दुर्गा पूजा महानवमी 4 अक्टूबर, दुर्गा पूजा 5 अक्टूबर, दीपावली 24 अक्टूबर सोमवार को पड़ता है ठीक है। उसके बाद आपका फिर से यहाँ पे छठ पूजा 30 अक्टूबर को है, फिर दूसरा छठ पूजा आपको 31 अक्टूबर को है रविवार सोमवार ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रिसमस डे रविवार को 25 दिसंबर, और यहाँ पे आखिरी आपका अवकाश जो है वार्षिक बैंक लेखाबंदी ठीक है, जो 1 अप्रैल को होता है शुक्रवार ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल मिला के 65 यहाँ पे अवकाश हो रहा है आपका ठीक है, बाकी जो आपका रविवार को जो आपको अवकाश मिलता है उसको छोड़ के जो अवकाश यहाँ पे रविवार को पड़ता है उसको यहाँ पे ले लिया गया है। जो जयंती हो गया कोई पर्व हो रविवार को नहीं पड़ता है तो वो यहाँ पे ऐड नहीं है, तो रविवार को छोड़ के यहाँ पे दिया गया ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना एक बार लिस्ट को ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम से जुड़ जाना, मैं आपको वहाँ पे डाल दूंगा ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी ठीक है, आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी है ठीक है। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो फ्रेंड्स तो मोटिवेट के लिए एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इस तरह की अपडेट रोजाना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना ठीक है। तो चलिए जय हिंद, कीप वॉचिंग।